हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाली हूँ 4-सीटर डाइनिंग टेबल का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो ये डाइनिंग सेट 3 बॉक्सेस में आया है। इसको असेंबल्ड करना पड़ेगा और अमेज़ोन पर मेंशन है कि 72 आवर्स के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाने के बाद कारपेंटर आकर इसे असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर कारपेंटर आ चुके हैं और उन्होंने इन बॉक्सेस को ओपन करना शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि ये टेबल का टॉप है जो ग्लास, और उसके लेग्स हैं। तो ये जो टेबल का टॉप है वो ग्लास का है और उसका जो कलर है वो सी ग्रीन कलर है। इसके जो लेग्स हैं वो मेटल और वुड के हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ ये आया है और इस बॉक्स के अंदर हैं चेयर्स। चेयर्स भी कुछ इस फॉर्म में आई हैं। उसका टॉप बॉडी अलग और उसके लेग्स अलग। इन्हें स्क्रूज से फिट करना है और ये जितने भी स्क्रू वगैरह है ये सब इस बॉक्स के अंदर इसके साथ ही आए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रबर की टिप्स हैं इस टेबल के लेग्स के ऊपर। सिर्फ इसी पर ये ग्लास फिक्स हो जाने वाला है। लेट मी शो यू। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट डाइनिंग सेट हो चुका है। तो यहाँ पर कारपेंटर भैया हमें गाइड कर रहे थे कि अगर आपको इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो सिंपली आपको इसे इसके लेग्स से ही मूव करना है, या फिर आप इसे डिसमेंटल कर लें। उसके लिए आपको इन रबर टिप्स को नीचे की ओर करना है ताकि वो वैक्यूम फ्री हो जाए और इस ग्लास को ऊपर की ओर लिफ्ट करे। तो आपको आपका ग्लास अलग से निकाल लेना है और लेग्स, एंड देन जब आपको इसे वापस से लगाना हो तो आपको सिंपली इन 4 टिप्स के ऊपर इस ग्लास को रखना है तो वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस इज़ द बेस्ट 4-सीटर डाइनिंग सेट। ये काफ़ी अलग है टिपिकल डाइनिंग टेबल्स से और काफ़ी अच्छा लुक भी देता है आपके डाइनिंग एरिया में। आप इसे सिर्फ एज ए डाइनिंग टेबल ही नहीं यूज़ कर सकते, आप इसे वर्क टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस पे बैठकर अपना काम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टाइल और लुक है, लेकिन हाँ ये काफ़ी डेलिकेट भी है, इसे आपको उतना ही एक्स्ट्रा केयर भी करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय एंड टेक केयर।